लेती हूँ बापू। हेलो। हाँ दया भाभी, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। बोले बोले भिड़े भाई। हाँ टप्पू है घर पे? हाँ है ना। तो जरा उसको मेरे घर पे भेजिए ना, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हैंग मतलब? लटक गया है, बिगड़ गया है, जरा भेजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा मैं भेजती हूँ। हाँ थैंक यू। टप्पू बेटा, तुम भिड़े भाई के घर पे जाना है उनका कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। टप्पू तुमने कब से ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया? अरे कुछ नहीं दादाजी, उनका कंप्यूटर हैंग हो गया होगा, और वैसे भी कंप्यूटर के मामले में भीड़ अंकल मेरे स्टूडेंट है। अरे वाह। चप्पू बेटा देखो, भीड़े भाई के घर से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना हो। डोंट वरी मम्मी, चप्पू कोई शरारत नहीं करेगा पक्का। और सुन, तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, मुंह साफ करके जाना। टपू टपू हळू टपू, ये तबला बजा रहा है लड़का ये। अरे हळू करने दो ना। अरे काय तू? लो भिड़े अंकल, फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट मिल गया? भिड़े अंकल आपका कंप्यूटर इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि आपने बैठे बैठे 1,00,000 से भी ज्यादा टेम्पररी फाइल जमा कर दी। इतनी फाइलें जमा करने की क्या जरूरत थी? घर में ऑलरेडी इतनी फाइलें पड़ी है। अरे टपू, मैंने कोई फाइल जमा नहीं की भाई, तू क्या बोल रहा है? अरे माजी आंटी, भीड़े अंकल को मत डांटिए, इसमें भीड़े अंकल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो किसका फॉल्ट है? माजी आंटी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टेम्पररी फाइल्स बन जाती है, और ये सारी टेम्पररी फाइल्स टेम्पररी फोल्डर में अपने आप अपनी जगह बना देती है। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारे टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी नहीं होगा। अरे तो जल्दी से फाइल्स डिलीट कर दे टप्पू। भीड़ अंकल वो फाइल डिलीट ही हो रही है। देखना भीड़ अंकल, आपको 3 GB फ्री स्पेस मिलेगी। वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुम्हें पता है टप्पू सच्ची में कंप्यूटर्स का मास्टर है। स्कूल में भी जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर सबसे पहले टप्पू को ही बुलाती है। अरे वाह होशियार है। आप भी सब सीख लीजिए उससे। हाँ हाँ सीखूंगा। थैंक यू मास्टर टप्पू जी। यू वेलकम भीड़े अंकल। लीजिए आपके सभी फाइल डिलीट हो गई। वाह सभी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने? अरे मतलब टेंपरेरी फाइल्स डिलीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभी उठो मुझे काम करना है। बिजली का बिल कितना बढ़ गया, सीधा डबल। सेठ जी जरा यहाँ आपका साइन कर दीजिए। हाँ अरे नट्टू काका, वो याद आया वो सुबह आपने कौन सा काम याद कराने के लिए फोन किया था? नहीं सेठ जी मुझे याद नहीं आया, आपको याद आया? अरे मुझे याद आया होता तो आपको अभी पूछता क्यों नट्टू काका? आइंदा जब भी मैं आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ ना तुरंत लिख लेने का डायरी में, क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी मैंने लिखा है। चलो हाँ लेकर आओ। कहाँ लिखा है सेठ जी? कहाँ लिखा है याद नहीं यार। नट्टू काका अभी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थोड़ी बादाम खाओ बादाम। सेठ जी आप जो पगार मुझे देते हैं ना उसमें बादाम तो क्या सिंगदाना भी नहीं परवरता। एक बार आप मेरी पगार बढ़ाइए फिर देखिए बादाम पिस्ता चारोड़ी किशमिश अखरोट सब खा के मेरी याददाश्त कैसी बढ़ती है। पगार बढ़ाने की बात आपको बराबर याद रहती है, काम की बात याद नहीं रहती है। अरे हाँ सेठ जी मुझे याद आ गया। लेकिन आधा याद आया। आधा? सेठ जी मुझे ये याद आ गया कि सवेरे आपको किसी से मिलने जाना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किसको मिलने जाना था। अरे हाँ आज सुबह 9 बजे बैंक के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी। ए भगवान 11 बज गए, अभी तो वो हेड ऑफिस के लिए निकल गया होगा, फिर से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सेठ जी अपॉइंटमेंट लेने का आप याद रखेंगे या मैं याद रखूं? मैं याद रखूंगा। लाओ कहाँ साइन करनी है इस पे? सेठ जी मैं सोच रहा हूँ जमाना कितना आगे बढ़ रहा है,
तो क्यों ना हम भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ तो चलते रहे, पहले बड़े बड़े और मोटे मोटे बॉक्स वाले टीवी बेचते थे, अभी पतले पतले एलसीडी बेच रहे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन क्यों ना हम हमारी कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कंप्यूटर पे खोलें। कंप्यूटर पे? मैं कुछ समझा नहीं। आई एक्सप्लेन, यू नो वेरी वेल का जमाना इंटरनेट का है, तो क्यों ना हम इंटरनेट पे www.ghadaelectronics.com नाम की दुकान शुरू करें। क्या? फिर देखिए हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। नट्टू काका, पहले ये जो दुकान खोल रखी है इसको तो ठीक से संभालो, यहाँ के ऑर्डर पूरे होते नहीं, आपको कंप्यूटर पर दुकान खोलनी है। सेठ जी, मैंने कितना अनमोल आइडिया आपको दिया ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अनमोल आइडिया बिजनेस बढ़े उसके लिए बताया कि आपकी पगार बढ़े उसके लिए बताया? सेठ जी, बिजनेस बढ़ेगा तो पगार तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा ना, लेकिन आपको मेरा पगार बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नट्टू काका, फिलहाल आप अपना इंटरेस्ट ये सब ऑर्डर की डिलीवरी करने में लगाइए। लीजिए जाइए। कंप्यूटर पे दुकान खोलना है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सोनू, हूँ अभी उठो, कंप्यूटर के सामने से मुझे बैठने दो। दो मिनट, मुझे बस अपना फोटो टैग करना है। वाह, पहले का तो चैट करना है, अभी क्या तो फोटो टैग करना है। अरे उठो ना सोनू, मुझे मेल चेक करने हैं। दो मिनट। अरे 15 मिनट से ये लड़की दो मिनट ही बोल रही है। सोनू, अभी तुम अगर कंप्यूटर के सामने से नहीं उठी ना तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। माधवी, हो गया, अब आप कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। चल 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 चल। मुझे किस लिए बुलाया? वो सोनू को पूछो। अरे बाबा बाप लेको। और जरा भगाओ कोड़े। अरे सोड़ी भाई, आप आइए आइए। अब माधवी भाभी कश्यात। मजेत। अपने एक मेल सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़े साहब कितने हैं? वो क्या कंप्यूटर पे बैठे हैं? ओ पिड़ू, ओ काम तो होता रहेगा, और चले यार छोटा भी ने। अहो ऐकल का, सोड़ी भाई आए हैं, सोडा पीने जा रहे हैं ना? ओ पिड़ू, तू आ रहा है या मैं जाऊं? लगता है नहीं आएंगे, अभी अभी बैठा है ना कंप्यूटर पे इसलिए। और ठीक है यार, कंप्यूटर पे बैठा रहा, मैं चलता हूँ सोडा पीने। जगह माधवी पापी मंडल आपला भारी आए। ओ भाई मराठी भारी है यांचं। कौन था माधवी? सोड़ी भाई थे ना। मुझे लगा सोड़ी था। ये और इनका कंप्यूटर कठिन है। क्या बात है भाई, आज वो मास्टर भिड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आत्माराम आज जल्दी सो गए, और नहीं आते हुए मैं गया था उसके पास, वो मस्त कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ। ले अभी कुर्सी छोड़ के कंप्यूटर पे बैठने लगा। अरे नहीं नहीं, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। भाई अब्दुल, क्या डाला क्या सोडा में? सब हंस रहे ऐसे। लो आ गया भिड़े।
गुड इवनिंग जेंटलमैन, आ गया रत्नागिरी का अंग्रेज। हेलो भिड़ा साहब। अब पिड़ो, अब मुझे तो लगा तू सोडा पीने आएगा ही नहीं। अरे सूडी क्या था, मुझे कुछ मेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने थे इसलिए टाइम लग गया, वरना तेरे साथ ही आ जाता मैं। ओहो, तुमको कौन इतना मेल भेजता है भाई? होगी कोई फीमेल। लेकिन बेटा इसका मतलब मार्केट में बात सही चल रही है आजकल, कि तुम कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही बैठ रहे हो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेहता साहब, कंप्यूटर की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। और इंटरनेट तो नॉलेज का खजाना है, खजाना। पूरी दुनिया मानो एक बोट पे आ गई है। पूरी दुनिया बोट पे आ गई, यानी पूरी दुनिया डूब जाएगी? अरे सोड़ी, बोट मतलब उंगली, मराठी में उंगली को बोट बोलते हैं। ओह अच्छा अच्छा। ओ शिक्षक साहब, फिर ऐसे खुल के बोलो ना। बोट लाओ तिथे गुदगुदी असते ना। अच्छा मेहता साहब, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। भिड़े, मैं तुम्हारी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई। ओ पिड़ू, और तूने मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं। अरे सोड़ी, तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूँ? खलास खत्म सोटी, अभी तुम भिड़े के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ओ एक मिनट जेठा परा, ओ मैं कंप्यूटर की मदद नहीं लेता दोस्ती करने के लिए, ओ मैं सीधे हाथ बढ़ाता हूँ, गले लगाता हूँ और होगी अपनी दोस्ती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होती है फ्रेंडशिप। मैं देखा अभी। चलो मंडली, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भैया यार, अभी आए अभी जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, गप्पे वप्पे लड़ाते। नहीं मेहता साहब, मुझे क्या है ना, वो एक नेट पर एक विषय के बारे में सर्च करना है, और बड़े दिनों के बाद मुझे एक रत्नागिरी का दोस्त मिला है ऑनलाइन, तो उसे जरा चैटिंग करनी है। हाँ मिलते हैं सर। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। बोलो, इधर जीते जागते दोस्त लोग खड़े हैं, उनके साथ बात नहीं करनी है, और नेट पे दूर दराज दोस्त बैठा है उसके साथ बात करनी है। बोलो, और नहीं तो क्या। क्या कहे जेठालाल, आजकल लोग दोस्ती तो क्या बिजनेस भी नेट पे बैठे बैठे कर लेते हैं। सही बात है, आजकल तो नेट की मदद से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर विदेश में भी बैठ के मरीजों का इलाज यहाँ कर देते हैं। वाह, की गल कर रहे हैं। हाँ एकदम करेक्ट कहा आदि भाई आपने। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में सबका लाइफ 2G 3G और 4G की स्पीड से बदल रहा है। जी जी जी। लेकिन कुछ भी कहो दोस्त, भले ही नेट की वजह से दुनिया काफी नजदीक आ गई हो, लेकिन असल में इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। मतलब सब लोग टच स्क्रीन के टच में आ गए ना। टच कहा आपने? मतलब सच कहा आपने। और मेहता साहब की गल कर रहे हो कि पर्सनल टच नहीं रहा, हेलो हो गया पर्सनल टच। अरे ऐसे नहीं सोड़ी। सोड़ी मतलब कमाल है भाई। अरे सोड़ी, मैं इस टच की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो याद करो ना पुरानी बातों को, पहले लोगों की सोशल लाइफ होती थी, सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सारी विशेष सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के एक दूसरे को देने लगे। हाँ हमारी दुनिया वहीं सिमट गई है। बिल्कुल भाई, किसी को विश करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल पे सेंड का बटन दबा दो कि हो गया विश। एकदम करड़गा पोपड़लाल तुमने। आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नेट पर विदेशी दोस्तों के साथ में घंटों चैटिंग करते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो नाके का नेट हो गया। नाका नेट क्या मतलब? नाके पे बैठ के सब लोग बातचीत करते थे, वो अभी नेट पे बातचीत करते। सही कहा जेठालाल तुमने। एक जीनियस है इंटरनेट के, शॉन पार्कर साहब। शॉन पार्कर कहते हैं कि भाई पहले दुनिया खेतों और गांवों में बसती थी, फिर दुनिया शहरों में बसने लगी, और अब तो दुनिया इंटरनेट पे बस रही है। मेहता साहब, दुनिया कहीं भी जाकर बसे, चांद पे, मंगल पे, कहीं भी बसे। भाई हम लोग तो रोज इधर ही अब्दुल की दुकान पे आके बसेंगे, क्या बोलते हो? मेल? अभी मेल किसने भेजा भाई? यूके से मेल? यूके में मुझे पहचानने वाला कौन है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट।
माधवी 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 ये माधवी माधवी उठ ना माधवी उठ काय झालं अरे मुझे जो मेल आया वो पढ़ो बाहर आके चलो चलो कमाल है तुमची अरे ये उठ ना ये वो मेल पढ़ोगे ना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी चलो चलो तुम चल तू चल 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 तू चल 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 लोकर लोकर अरे चल 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 ये तू ये क्या है मेल में अरे तुम पढ़ो तो सही मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है 1 करोड़ की ये उड़च ना काय काय म्हणाल तुम्ही आता 1 करोड़ की लॉटरी लगी है माधवी तुम ये मेल तो पढ़ो मैं ही पढ़ता हूँ देखो ये मेल मुझे यूके से आया है यूके के चेस्टर स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स का ये मेल है अपने 65 साल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 500 करोड़ पाउंड की संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया है चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के जरिए वो दुनिया के अलग अलग देश के अनजान लोगों के नाम लकी ड्रॉ खोल के ये सारी रकम उन्होंने डोनेट करने का फैसला किया है माधवी ताकि सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए माधवी और भारत से जिस लकी आदमी का नाम सिलेक्ट हुआ है ना वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े माधवी ये तो 1 करोड़ का जैकपॉट है 1 करोड़ का जैकपॉट मतलब हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे दोस्तों इसे कहते हैं कि खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है हमारे भिड़े मास्टर को हमारे शिक्षक भिड़े को 1 करोड़ की लॉटरी अब मिडिल क्लास भिड़े के जीवन में तो बाहर आ गई है भाई 1 करोड़ की लॉटरी किसे कहते हैं एक मिडिल क्लास आदमी को रास्ते में 500 का या 1000 का नोट भी मिल जाए ना तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगता है और जब ये खबर मिल जाए कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तो क्या होगा भाई 1 करोड़ रुपया बहुत होता है 1 करोड़ तो रईसों के लिए भी बड़ी रकम होती है और मिडिल क्लास आदमी तो 1 करोड़ से अपने सारे सपने पूरे कर सकता है तो अभी भिड़े बेहद खुश है इतने खुश कि गंजे को बाल मिल जाए उससे ज्यादा खुशी भिड़े को इस वक्त हो रही है और खुशी हो भी क्यों ना एक कहावत है ए खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान लेकिन बात अभी यह है कि एक एक पाई का हिसाब रखने वाले हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े 1 करोड़ रुपए से गोकुलधाम सोसाइटी में क्या क्या हंगामे लाते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा माधवी शांत हळू जरा हळू मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे 1 करोड़ का इनाम लग सकता है अरे क्यों नहीं लग सकता हम भी तो लकी हो सकते हैं अंजलि भाभी को जब 10,000 का इनाम मिला ना तब भी मैं सोच रही थी कि हमें क्यों नहीं कोई इनाम लगता और देखिए गणपति बाप्पा ने हमारी सुन ली हमें 1 करोड़ का इनाम लगा और क्या लिखा है हाँ नहीं तुमने बसा उस ट्रस्ट ने मुझसे मेरा सेल नंबर एड्रेस आईडी प्रूफ इलेक्शन कार्ड सब कुछ मेल करने को कहा है उसके बाद ही वो लोग हमें सामने से कांटेक्ट करेंगे बरोबर है वो 1 करोड़ देने हैं उनको तो 1 करोड़ देने से पहले वो वेरीफाई तो करेंगे ना कि आप वही आदमी हो या नहीं करेक्ट 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 आप जल्दी से एड्रेस मोबाइल नंबर जो जो मांगा है वो सब दे दो आत्माराम करू सेंड लवकर लवकर सेंड करा लवकर केला मेल को मेल पहुंच गया यूके को मेल पहुंच गया गणपति बाप्पा मोरया थैंक यू मिस्टर चार्ल्स थैंक यू वेरी मच आप जहां भी रहो खुश रहो और ऐसी चैरिटी करते रहो देवा तुझे लाख लाख उपकार है तेरे बाबा अरे करोड़ बोल माधवी करोड़ करोड़ बोल माधवी 1 करोड़ में 1 के आगे कितने शून्य होते हैं आज शिक्षक होके मुझे पहली बार याद नहीं आ रहा है एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट करत करत अप्रतिम एक्साइटमेंट है काय झालं और एक मेल आया पढ़िए उस ट्रस्ट की कमिटी ने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करके रजिस्टर कर दी है और यूके की बैंक से 1 करोड़ का जैकपॉट इंडियन रुपए में ट्रांसफर करके बहुत जल्दी हमें भेजेंगे इस 1 करोड़ का जैकपॉट इंडिया में ट्रांसफर होने से पहले हमें एडवांस ट्रांसफर फीस के तौर पे 50,000 रुपए उस ट्रस्ट के मुंबई के IBBSI बैंक के अकाउंट में भरने पड़ेंगे और माधु यहाँ पे फुटनोट में लिखा है कि अगर हम एडवांस फीस नहीं भर पाए तो
मेरा नाम लकी ड्रॉ के लिए से रिजेक्ट हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे रिजेक्ट हो जाएगा? उनका दूसरा मेला है शायद, देखे ना। अरे नहीं माधवी, मेरा मैसेज का टोन है। ये कहां से आया मैसेज? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट यूके। अरे उनके पास मेरा नंबर कहां से आया? अरे अभी तो भेजा था आपने उनको। अरे हाँ, इतनी जल्दी रिप्लाई किया इन्होंने। माधवी इसमें भी यही लिखा है कि कल के कल हमें बैंक में 50,000 रुपए भरने हैं और नीचे अकाउंट नंबर भी दिया है। तो भर देंगे पैसे। क्या भर देंगे माधवी, कितनी बड़ी रकम है ये, 50,000 रुपए। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग एक दिन रुकते हैं, मैं मेहता सर से बात करता हूँ। वाह, कल आप मेहता साहब से बात करेंगे और डेडलाइन खत्म होने के बाद परसों पैसे भरेंगे। तो फिर क्या करें माधवी? आप शंका है दिमाग से निकाल दो। देख, आप किसी राह चलते आदमी को तो पैसे नहीं दे रहे ना, और उस ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नंबर है, इसका मतलब बैंक के पास उनकी सारी जानकारी है। और वो तो बेचारे आपका आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ इसलिए मांग रहे हैं ताकि किसी गलत आदमी के पास पैसे ना चले जाए। कर लो। क्या सोच रहे हो आप? लक्ष्मी खुद घर पर चलकर आ रही है और आप है कि उसके स्वागत में देरी कर रहे हो। तो क्या करे माधवी, भर दे पैसा। हाँ, लेकिन अगर 1% भी गड़बड़ हुई ना तो? अहो, 1 करोड़ मिल रहे तो 50,000 का रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। जेठा भाई बोलते हैं ना, धंधे में कमाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तसच से है। ठीक है ठीक है माधवी, हम लोग रिस्क लेते हैं, हम लोग 50,000 रुपए भरेंगे। लेकिन एक साथ 50,000 रुपए लाएंगे कहां से? मेरे पास घर पे ट्यूशन फीस के कुछ 15,000 रुपए पड़े। हाँ, आपने पिछले महीने 25,000 के एफडी किए थे ना? बेबी 25 और 15 40 होते, 10,000 कहां से लाएंगे माधवी? हाँ, मैंने अचार पापड़ के कुछ पैसे बचा के रखे, कुल मिलाकर 8-10,000 तो होंगे। तो बस माधवी, हो गए 50,000 रुपए। तो ठीक है, मैं कल ही बैंक में जाके एफडी तोड़ के पैसे कैश कर लेता हूँ। हाँ। और पूरे 50,000 रुपए इस IBBSI बैंक में जाके उस ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कर देता हूँ। फिर माधवी, हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट मिलने का रास्ता खुल जाएगा। देवा, यकीन ही नहीं होता कि हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अरे माधवी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमें कंप्यूटर फाड़ के दिया है। क्या बात है, सोसाइटी में चिल्ला के बताओ कि क्या। और देखिए, हमें जैकपॉट लगा है ये बात सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ बरोबर है, बरोबर है। और हाँ, तुम सोनू को भी मत बताना, वो छोटी बिचारी बोल देगी कहीं। नहीं बताऊंगी। चलिए अभी कंप्यूटर बंद कीजिए और सोने चलिए। आदमी, खुशी के मारे आज मुझे नींद ही नहीं आने वाली। ओ करोड़पति, करोड़पति लोग भी रात को सोते ही है मतलब। एक मिनट माधवी, कंप्यूटर बंद करने से पहले थैंक यू मिस्टर चार्ल्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो चलो। नींद ही नहीं आ रही है माधवी। कैसे आएगी? आज अपने चश्मों कहाँ निकल आए? अरे हो, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। सो गए? गुड नाइट। गुड नाइट। एक करोड़ माधवी, 1 करोड़ की। मित्राय नमो, मरवाय नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमो, हिरण गर्भाय नमो, मरीचय नमो, आदित्याय नमो, सवित्रे नमो, अर्काय नमो, भास्कराय नमो।
वाह, आज तो सुबह सुबह चमत्कार हो गया, सूरज और चांद दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। बबीता जी जब भी देखो एकदम फ्रेश ही लगते हैं। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बोलिए, सुबह सुबह आपने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे हम तो आपको 24 घंटे याद करते हैं बबीता जी। आप भी ना जेठा जी, बोलिए। एक बात आपसे पूछनी थी जी। ये कसरत करने की साइकिल आपने कहाँ से ली? हाय। क्यों, आपको भी साइकिल लेनी है? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ आपकी तरह बालकनी में कैसी साइकिल डाल दूं, फिर आपके साथ मैं भी रोज कसरत करूं, तो क्या आपको भी कंपनी मिलेगी और मेरी बॉडी बन जाएगी। ओके, वेल ये साइकिल तो अय्यर लाए थे, तो उन्हीं को पता होगा वो कहाँ से लाए थे। ठीक है, तो मैं अय्यर भाई को पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट है जेठा जी, एक दूसरा फोन आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, सॉरी। ओके ओके, बाय। हाय अंजलि, बोल क्या मना चीज। बाय। सुबह सुबह कौन है जो बबीता जी को फोन करके डिस्टर्ब करता है? ये हो गए 12,000 रुपए। ये भी हो गए 12,000। 12, 12, 24 और FD के 25, तो कुल मिलाकर हो गए 49,000। फिर भी 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आता? फिकर नॉट माधवी। ₹1,000 मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने पर्स में रखता हूँ। और इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? बिल्कुल। अब हो गए पूरे 25,000। और FD के 25,000 रुपए, तो हो गए ना पूरे 50,000 रुपए। तो अब मैं जाके बैंक में जमा करके आता हूँ। अकाउंट नंबर याद है ना? अरे मेरे मोबाइल में है ना उस चार्ज चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट नंबर। एक मिनट, अब जाना मत, मैं अभी आती हूँ। बैंक में दो दूसरों का क्या काम है? दही शक्कर। काम सफल होगा ना? तुम भी तो लो। अरे तुम भी तो हो ना जैकपॉट की मालकिन। चला चला चला। हाँ अच्छा सुनिए, नीचे सोसाइटी में कोई भी मिले तो एक्साइट होकर जैकपॉट के बारे में बता मत देना। हाँ माधवी, मैं रास्ते में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुंडी नीचे करके बैंक में जाऊंगा, पैसे जमा करूंगा, घर पे आऊंगा और तुम्हारे सामने आके ही मुंडी ऊपर करूंगा। शाबाश। चल भी है तो। एक मिनट। आता काय झालं? भगवान का नाम लिया। जा। हो। अलग से। सावकाश। बंद कर। जेठालाल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मेहता साहब। बस बस। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओह गुड मॉर्निंग मिस अय्यर, हाउ आर यू? मैं दोस्तों। अब मेरे को गुलाम गई यार। जेठा प्राप्त पापू अय्यर, वेरी गुड, ग्रेट, ब्यूटीफुल, लवली मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। आज जिस तरह से होलसेल में गुड मॉर्निंग विशेष मिली है, ऐसा लगता है कि आज दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा बीतेगा। मैं साहब, ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी एक साथ काम पर जा रही है। अरे भाई इसमें लगना क्या है, हमारी सोसाइटी की ये खास बात तो है, हम कौन सा काम अलग अलग करते हैं बताओ। हमारी सारी महिला एक साथ सब्जी खरीदती है, कोई बच्चा अकेले खेलते हुए देखा है? सब साथ खेलते हैं और हम तो रोज रात को साथ में सोडा पीते ही है। ये तो वही बात हो गई
असली मजा सबके साथ आता है। वो देखो हम दब के एक मेंबर सेक्रेटरी आज बार हम भिड़े भी आ गए। भाई हम सबके नहीं सोसाइटी का सेक्रेटरी ऐसा बोल। आजा पिड़ू तेरी कमी महसूस हो रही थी यार। हाँ गुड मॉर्निंग सोड़ी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग होनी पड़ी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ तो पूरी सोसाइटी खड़ी है। पता बातों बातों में इन्होंने जैकपॉट के बारे में बोल दिया तो आइए 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 सेक्रेटरी साहब आपके बिना तो गोकुलधाम सोसाइटी अधूरी है। अरे थैंक यू धन्यवाद पोपटलाल। सब लोग एक साथ यहाँ पे। हाँ भाई हम सब तो काम पे जा रहे हैं। तुम किस तरफ जा रहे हो? अपनी सोसाइटी के काम से ही जा रहा होगा म्युनिसिपैलिटी। अरे नहीं नहीं मैं म्युनिसिपैलिटी नहीं जा रहा हूँ सोड़ी। लाइट का बिल भरने? नहीं नहीं वहाँ भी नहीं जा रहा हूँ। पानी का बिल? नहीं पोपटलाल। तो भाई बता कौन सा बिल भरने जा रहा है? अरे भाई जेठालाल में कोई बिल भरने नहीं जा रहा हूँ मैं इसी जरा बैंक बैंक जा रहा हूँ। लेकिन आज तो बैंक बंद है। आज बैंक बंद है? हाँ आज तो हॉलीडे है बंद है बैंक। अरे लेकिन आज कौन सा त्योहार है आज कौन सा हॉलीडे है? आज जेठा डे है भिड़े। जेठा डे? अभी तक उसका बत्ते नहीं हुए भाई। तो चलो भिड़ो को खुलकर समझा देते हैं। भाई भिड़े जेठालाल तुम्हारी टांग खींच रहे हैं और तुम होके समझने को तैयार ही नहीं हो। राम घाबरो नका संतता ठेवा बैंक चालू है। क्या जेठालाल तुमने तो मुझे डरा दिया। अरे भाई मैंने नहीं डरा है तुम खुद डर गए। अच्छा भी है तो बताओ जा कहाँ रहे हो? नहीं क्या है ना दोस्तों वो कल मैंने भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था वो डालने जा रहा होगा बैंक में। क्यों भिड़े? अरे भाई पोपटलाल मैं क्या सोसाइटी के काम से ही बैंक जा सकता हूँ पर्सनल काम से नहीं जा सकता। वो बोले तो काय बसला है जाना। ओ पिड़ू वो इतना उखड़ क्यों रहा है? और तेरे को बैंक जाने से कोई रोक थोड़ी ना रहा। अरे देखो ना कितनी इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ भिड़े को इंक्वायरी काउंटर है। हमारी सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी साहब है। बस बस पोपटलाल भावना पोस्ट लिया बस चलो मैं निकलता हूँ। अरे आत्माराम सब लोग साथ में ही चलते हैं। परमेश्वरा कृपा कर रहे बाबा। हाँ जाते जाते तुमको बैंक तक छोड़ते जाते। अरे नहीं जेठालाल बाबा बैंक तक आने की कोई जरूरत नहीं है मैं चला जाऊंगा मुझे जल्दी है मैं निकलता हूँ। हाँ भाई अब पिड़ू को जाने दो क्योंकि वापस आके इसको वो जाली पे बैठना है ना। जाली? और जाली मतलब नेट यानी इंटरनेट। चलो चलता हूँ मैं। अरे ओ पिड़ू रुके यार एक साथ चलते हैं। अरे बाहर तक तो साथ में चल। नसीब निकल गए वहां से सगड़ा व्यवस्थित उतरे तेरे बाबा। चलो वो जल्दी में भाई हम भी चले वरना पूरा दिन यही निकल जाएगा। हाँ भाई चलो चलो चलो। माधवी? हाँ बोल माधवी क्या हुआ? आप सोसाइटी वालों के साथ खड़े थे फिर उनके साथ ही बाहर निकल गए तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कहीं बातों बातों में आपने जैकपॉट के बारे में बोला तो नहीं ना। माधवी मैंने जैकपॉट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। जरा वहाँ कोई सुन लेगा। सॉरी सॉरी लेकिन माधवी मैंने जैकपॉट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। और तुम चिंता मत करो यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं है मेरे। हाँ नशीब मुझे वही चिंता हो रही थी। अच्छा आपने बैंक में पैसे बराबर जमा कर दिए ना? अरे अभी अभी तो बैंक पहुँचा हूँ माधवी अभी 5-10 मिनट में ये पूरे 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दूंगा। हाँ ठीक है सुनिए पैसे जमा करने के बाद सरल घर पे ही आना। हाँ तो घर ही आऊंगा ना माधवी और कहाँ जाऊंगा मैं। चलो फोन रखता हूँ मैं अभी। हाँ घड़ हो गया हो गया। थैंक यू। बस 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 कितना हो भाई साहब? 30 रुपया साहब बस।
ये लीजिए। एक काम कीजिए, ये भी रख लीजिए। किस लिए साहब? रख लो, टिप है तुम्हारी। हाँ थैंक यू साहब। चलो चलो ऐश करो। क्यों भिड़े भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो? रिक्शा वाले को 50 रुपए टिप दे दिया। कोई जैकपॉट लगा है क्या? जैकपॉट? अरे कसला जैकपॉट अब्दुल, कोई जैकपॉट नहीं लगा। वो तो तुम तो जाते ना आजकल के रिक्शा वाले, कितने फास्ट रिक्शा चलाते हैं, कितना हॉर्न बजाते हैं, कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं। लेकिन ये जो रिक्शा वाला था ना, बिल्कुल अलग था। उसने बिल्कुल शांति से रिक्शा चलाई, जरा भी हॉर्न नहीं बजा, जरा भी ध्वनि प्रदूषण नहीं किया, एकदम शांति से चला कर लेके आया। इसलिए मैंने खुश होकर उसको 50 रुपया टिप दे दिया। 50 रुपया? अभी चलो, मुझे जरा काम है, मैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि यदि आदमी को अचानक पैसे मिल जाए तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती, और अचानक मिले पैसों से वो अचानक बड़ा दिलदार हो जाता है, बड़ी टिप्स बांटने लगता है, वेटर को, चौकीदार को, नौकर को, सबको टिप्स देने लगता है। और हमारे मिडिल क्लास शिक्षक भिड़े भी अभी इस टिप्स की ट्रिप में निकल चुके हैं। 1 करोड़ का जैकपॉट खुला ही नहीं के खर्चे तैयार है। भाई कहते हैं ना कि भैंस तो खरीदे नहीं, उसके पहले ये तय करने में लग जाए कि भाई दूध बेचेंगे या उसका दही जमाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास आदमी की यही खासियत होती है, वो अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना चाहता है। जब वो खुद खुश होता है तो उसे लगता है सारे जमाने को, उसके आसपास सब लोगों को खुश होना चाहिए। अब भिड़े भी इसी ट्रिप में हैं, आसपास के लोगों को टिप्स देके खुश कर रहे हैं। अब ये 1 करोड़ रुपया जब आ जाएगा तब क्या करेंगे? सोचिए, भिड़े के घर में जब 1 करोड़ रुपए की बारिश होगी तब ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, अपने सपने कैसे साकार करेंगे? भाई 1 करोड़ की बारिश होगी तब क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घरों में हंसी और ठहाकों की बारिश होगी। बस मेरे साथ देखते रहिए करोड़ों की हंसी का अनमोल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ कितनी देर, कब से राह देख रही हूँ मैं। हो गए बैंक में पैसे जमा? यस माधवी, मैंने उस चार्ज चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए। गणपति बप्पा। माधवी देखना, अभी जल्दी हमारे हाथ में जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इन शॉर्ट माधवी, हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति हाई स्कूटे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में हम करोड़पति बन जाएंगे। माधवी, इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। मैं भी हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना सपने देखा करता था कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और देखो मेरा सपना पूरा हो गया। देखना माधवी, अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आओ, मैंने ना 1 करोड़ रुपयों के बारे में कुछ सोचा है, सांगू? सांग माधवी, अभी तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, बताओ। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। कैसी आइडिया? अरे मस्त आइडिया है माधवी, मैं भी यही सोच रहा था। 60 लाख पे अपने एरिया में एक मस्त बिगी फ्लैट मिल जाएगा, और फिर इस फ्लैट को हम लोग भिड़े ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। मस्त, और इसी फ्लैट में ट्यूशन क्लास और अचार पापड़ का बिजनेस दोनों चलाएंगे। और हाँ, बचे हुए 40,000 में से हम 40,000 का है, 40 लाख बोलो, 40 लाख। सुकले सुकले, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। कर ला। काय है, लाख बोलने की आदत नहीं है ना? अभी आदत डाल दो माधवी। हाँ बरोबर है। हाँ, तो सबसे पहले 40 लाख में से 25 लाख की FD कर देंगे सोनू की पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए। यस माधवी, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। इतना लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, फिर भी 15 लाख रुपए बचते हैं, उसका क्या करना है? 15 लाख। हाँ, 15 लाख में से 5 लाख हम नए फ्लैट के इंटीरियर में खर्च करें तो? Hey, not a bad idea, but Mrs. Madhvi Atmaram Bhide. Yes? For your kind information, we still have 10 lakh rupees balance. What about that? How much? 10 lakh, 10 lakh. Oh, 10 lakh. Ek nayi car kharide do. Waise bhi aapki wo scooter khatara ho gayi hai. Well, good idea. Car to kharidte hai Madhvi, lekin saath mein tumhare liye ek diamond ka set kharidte hai. तुम्हारा सपना था ना डायमंड का सेट खरीदने का, एंड विल बाय टू, एक तुम्हारे लिए और एक आपके लिए, सोनू के लिए। अरे उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ,
ओ, सच में पैसा पास में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है ना, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। मनी टॉक्स माधवी, मनी टॉक्स। आज का जमाना मनी पावर का है। अगर तुम्हारे पास आज पैसा है तो सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत है, रुतबा है, पहचान है, चार लोग तुम्हें पूछते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। माधवी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आज के जमाने का पावरफुल हथियार है पैसा, जिससे तुम दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकते हो। माधवी पैसा एक ऐसी लगाम है जिसे अगर कस के पकड़ के रखो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकते हैं। That's the power of money, माधवी, that's the power of money. अच्छा बोल रहे हैं आप? कितने दिनों बाद आपको सुनने का मन कर रहा है, और कुछ सुनाइए ना। सुनो माधवी, हमारे जमाने में आप बोल बोल के बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, चाय के बाद बोलता हूँ। अच्छा सुनो, मस्त अदरक लहसुन वाली चाय बनाना। लहसुन? एक्साइटमेंट। आत्माराम तुकाराम भिड़े, करोड़पति। और टोमेटो कैसे दिए? 50 रुपए किलो भाभी। और ये भिंडी कितने की दी? भिंडी 60 रुपए किलो। बाप रे बाप, दिन ब दिन सब्जी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का तो नाम ही नहीं लेते। लगता है सोने और सब्जी में तो रेस ही लगी है। दोनों के भाव ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे आने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। वही तो। सुनीता, मुझे आधा किलो नहीं, पाव किलो टमाटर दे। अच्छा। और मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो मटर दे। अच्छा। और मुझे ये आधा किलो भिंडी देना। अच्छा। बबीता जी, आपने आपके वेडिंग एनिवर्सरी पे गोल्ड का लॉकेट पहना था ना, वो आपने कहाँ से खरीदा था? वो डायमंड स्टडेड गोल्डन लॉकेट। हाँ दोस्तों, हर सुंदर है हो तो। हाँ बबीता जी, वो बहुत बढ़िया था, आपका एकदम मैचिंग हो रहा था। वो मैंने मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड से लिया था। देखिए ना, वैसे भी आजकल किसी भी सोने के गहने में डायमंड लगना जरूरी हो गया है, फैशन बन गई है भाई। डायमंड नेकलेस, डायमंड बैंगल्स, डायमंड इयररिंग, डायमंड रिंग, सब डायमंड डायमंड। वैसे भी आजकल सोने से ज्यादा तो डायमंड स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हाँ, वैसे अंदाजे कितने का होगा वो? मैंने 1 साल पहले कुछ 40,000 का लिया था। मतलब आज की तारीख में 60,000 से ज्यादा तो होगा ही। बस 60,000 तो सस्ता है ने? माधवी भाभी, 60,000 बहु बहु मोटी रकम थाई छे। एग्जैक्टली। हाँ मुझे पता है, पर सोने और डायमंड का भाव कभी कम हुआ है? वो तो बढ़ता ही जाता है ना। अगले साल डायमंड लॉकेट के 80,000 हो जाएंगे। हाँ बराबर है दया भाभी। बबीता जी, आपकी वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ बिल्कुल। हाँ थैंक यू। वैसे किसको लेना है डायमंड का सेट? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने की। अरे वैसे भी सोचने के कहाँ पैसे लगते हैं। कोमल भाभी, अगर मैं सोच सकती हूँ तो खरीद भी सकती हूँ। आपको क्या लगता है, मैं डायमंड सेट खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं माधवी भाभी, आप गलत सोच रहे हो। कम ऑन माधवी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। चल। पीड़े बहन सही कह रहे हैं ये लोग, हमेशा ऊंचा और अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो हकीकत बन जाता है, तो उसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। माधवी भाभी, I'm extremely sorry. कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। सुनीता, है पैसे। समझते क्या है आप यार? डायमंड सेट नहीं खरीद सकती,
ओ, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? बगा ना, सब्जी लेते लेते मैंने डायमंड खरीदने की बात की तो कोमल भाभी उसे मजाक समझने लगे। कहने लगे डायमंड खरीदने के बाद सोचने में क्या है, सोचने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं, और सब बोल लिया। अरे माधवी, अगर हम लोग डायमंड खरीदने की बात करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। तू लक्षणों को दे, जाओ दे। और मुझे एक बात बता, हमने तय किया था ना कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तो ये डायमंड खरीदने की बात करने की जरूरत क्या थी? सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई ना अभी तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जाओ मस्त वे की एक मसाला चाय बना के लेके आओ। हाय तुम्हें। और वैसे भी अभी मेरे हाथ की बनाई हुई चाय आपको कुछ ही दिन मिलने वाली है। कुछ ही दिन मतलब तुम कहीं जाने वाली हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली, नौकर आएंगे ना। ओहो, अभी नौकर भी आएंगे? आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ जी, मैं हूँ आत्माराम भिड़े। एक मिनट है, कहिए क्या? आपका कुरियर आया है। कुरियर? यहाँ साइन कीजिए। हाँ, इसका कुरियर है? नहीं पता साहब। तो चलो खैर, थैंक यू वेरी मच। किसने भेजा है? मला क्या माहिती, देखो तो सही, तो मेरा नाम है, किसने भेजा उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। तेज ना, खोल कर देखिए ना। मिक्सर? तुमने मिक्सर का ऑर्डर दिया था? तुमने शॉपिंग शुरू भी कर दी? अरे पहले पैसे हाथ में आते फिर शॉपिंग करती तुम। ओ, मैंने नहीं मिक्सर खरीदा है। तो फिर किसने भेजा ये? मुझे क्या पता। मिक्सर ओ, कितना मस्त है, कितनी सारी एक्सेसरीज है, ब्लेड्स भी अलग अलग है। हाँ, लेकिन भेजा किसने? ये क्या है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओहो माधवी, ये चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, इतनी बढ़िया गिफ्ट भेजी। हाँ, देखो उन्हीं का मैसेज है। क्या लिखा है? लिखा है कि हमारे भेजे हुए रुपए उन्हें मिल गए हैं, उसके लिए थैंक्स लिखा है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बारे में लिखा है। और आगे लिखा है कि जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए हमें जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे, और ईमेल के जरिए हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। वाह, कमाली है, बड़े जैकपॉट से पहले छोटा जैकपॉट। कम से कम ये मिक्सर 10,000 का तो होगा ही ना? माधवी, अभी जो छोटा जैकपॉट लगा है वो सिर्फ 10,000 का है, अभी जल्द ही अपने हाथ एक बड़ा जैकपॉट आएगा 1 करोड़ रुपए का। हळू जरा। अरे माधवी, अभी सिर्फ कुछ ही दिन, ये हळू हळू, एक बार रुपए हाथ में आ गए तो पूरी दुनिया को मैं चीख चीख के बताऊंगा कि हम लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति। और फिर मेरी मोबाइल पे और घर की डोर बेल पे एक ही गाने की धुन बजेगी, और वो भी हमारे जमाने का गाना। भाई मुंह बंद रख के डकार खा ले, बहू बिचारी डर गई, ये कोई तरीका है? सॉरी बापूजी। सॉरी? अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे बापूजी, पहले जोर से डकार में ना खाया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। आ तो बोल। सो,
सॉरी अरे दया हाँ? मुखवास कहाँ है वो क्या डिपो पे है कहाँ डिपो पे ये जेठिया तेरी आंखें है या बटन ये क्या पड़ा दिखता ही है हाँ? वो उसके पीछे था इसलिए दिखाई नहीं दिया बापूजी छोटे बच्चे की तरह सब चीज हाथ में चाहिए कहाँ जा रहे हैं सोने जा रहा हूँ गुड नाइट शुभ रात्रि गुड नाइट अरे बापूजी गए अभी हम दोनों घर में अकेले हैं मेरी अहमदाबादी कोयल मेरे मुंबई के गुंडे शांति रख क्या खिलौना खेल रही है पूरा रोमांटिक मूड पे पानी फिर गया कुछ नहीं हुआ अब आप सोडा पीकर आइए तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ जाइए भी अरे देवा माधवी ए माधवी काय झालं माधवी उस ट्रस्ट का मेला है इसमें लिखा है कि यूके की बैंक से 1 करोड़ रुपए इंडिया की बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर टैक्स और कुरियर चार्जेस के तौर पे हमें और 1 लाख उस ट्रस्ट के अकाउंट में भरने पड़ेंगे भाई? हाँ और लिखा है कि ये पैसे डिपॉजिट करने के बाद ही यूके की बैंक हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट हमारी बैंक में ट्रांसफर करेगा बापरे? और लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ये पैसे नहीं भरे तो हमें लगा हुआ 1 करोड़ का जैकपॉट किसी दूसरे लकी पर्सन को पास कर दिया जाएगा भाई? और 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और कुछ आ रहा है आपके पास भाई 1 करोड़ रुपए अगर जीतने हैं तो 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे आपके कंप्यूटर ने यही कहा भाई मेरे और माधवी की स्थिति बड़ी अजीबो गरीब हो गई है पहले कंप्यूटर ने कहा कि 50,000 रुपए जमा कराइए फिर कहा 1 लाख रुपए जमा कराइए अब मिडिल क्लास आदमी रातों रात 1 लाख रुपए कहां से लाए आपकी जिंदगी में भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आ जाए ये मध्यम वर्गीय स्थिति जो होती है बड़ी खराब होती है कभी अस्पताल जाए और कहा जाए कि अभी के अभी रातों रात पैसे जमा कराइए कहां से कराएंगे रातों रात लाखों रुपए मध्यम वर्गीय आदमी नहीं ला सकता साहब लेकिन भिड़े और माधवी अभी एक ऐसे लालच में फंसे हुए हैं कि अगर 1 लाख रुपए जमा नहीं कराए तो 1 करोड़ का जैकपॉट नहीं लगेगा पहले 50,000 फिर 1 लाख जुआरी जब भी जुआ खेलता है और वो हारने लगता है तो अगली बाजी दुगनी चलता है अगली चाल दुगनी होती है कहीं जीत जाए तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी शायद इसी स्थिति में भिड़े और माधवी इस वक्त है वो चाहते हैं कि 1 लाख रुपए जमा करा दे और 1 करोड़ का जैकपॉट हाथ में लग जाए लेकिन आपको क्या लगता है क्या भिड़े ये 1 लाख रुपए जमा कराएंगे या 1 कदम पीछे हटेंगे स्थिति बड़ी विकट है रोचक भी और रोमांचक भी अब ये 1 करोड़ का जैकपॉट लगता है या नहीं लगता ये सारी स्थिति निर्भर करती है कि भिड़े 1 लाख रुपए जमा कराते हैं या नहीं अब आपको क्या लगता है ये 1 लाख रुपए जमा होंगे या 1 करोड़ खो देंगे ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक जैकपॉट पक्का है आपके लिए हंसी और ठहाकों का मेरे साथ माधवी ये ट्रस्ट वाले हमसे इस बात का कंफर्मेशन चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए बैंक में भरेंगे या नहीं भरेंगे वो तो सोच कर रहे हो
कंफर्मेशन भेज दो। लेकिन माधवी, सच में कंफर्मेशन भेज दूं? अहो नहीं भेजेंगे तो हमारी जगह दूसरा कोई करोड़पति बन जाएगा, वो चलेगा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा जैकपॉट किसी और का कैसे हो सकता है? आज जैकपॉट अपना से। शाबाश। मैं अभी उनको कंफर्मेशन भेज देता हूँ। हाँ। Y-E-S. Yes. हाय शाबाश। कंफर्मेशन भेज दिया। हे बरके लो। हाँ। माधवी। हाँ। कंफर्मेशन तो हमने भेज दिया, लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मैं क्या कहती हूँ, 2-4 दिन के लिए किसी से उधार ले तो। माधवी उधारी? वो 2-4 दिन की तो बात है, 1 करोड़ आते ही हम वापस कर देंगे ना। हमारी बात सही है माधवी, लेकिन कल के कल हमें 1,00,000 रुपए कौन देगा? तो ये आहेस मना, एक बड़ी हस्ती है जो बिजनेसमैन है। कौन, बिड़ला या टाटा? जेठा है? मेरा मतलब है जेठा भाई। मैं जेठा से पैसे उधार मांगू? हाँ। ना या? आहो वही एक है जो आसानी से हमें 1,00,000 अभी के अभी दे सकते हैं। लेकिन माधवी, मैंने आज तक उससे पैसे कभी उधार मांगे नहीं है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं नहीं। तो आप ब्याज दे देना ना, ना आपको टेंशन ना उनको टेंशन। और जरा सोचिए, जब आप करोड़पति बन जाएंगे तब हो सकता है जेठा भाई आपसे उधार मांगे। ये हो सकता है माधवी? तो सोचिए मत, जल्दी से उनको फोन लगाइए ना। अभी? हाँ। अरे क्या? हाँ माधवी, अभी रात के 1:30 बजे। मैं कल सुबह उसके घर जाकर उससे बात करूंगा अपने तरीके से। हाँ चले ना। माधवी, मैं जेठा के पास जाके आता हूँ। आहो चाय तैयार है, चाय पीकर जाइए। हाँ? अरे माधवी, अभी मैं चाय पीने बैठूंगा तो लेट हो जाएगा। तो खड़े खड़े पीजिए। अरे माधवी, जेठा दुकान चला जाएगा, मैं आने के बाद पीता हूँ ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, चाय का नाम लिया है ना तो अभी पीना पड़ेगा। तू पन्ना ऐकना ना सजी बात। आहो अभी पी रहा हूँ ना। आहो क्या कर रही हो? गरम है। वही बताना चाहती थी मैं। तो आहो की जगह गरम नहीं बोल सकती थी? आहो अरे आयका, बातों बातों में जेठा भाई को जैकपॉट के बारे में बता मत देना। माधवी का कुकुला बाल है का, जो तुम बार बार मुझे ये बात याद दिला रही हो। गलती से मुंह से निकल जाएगा तो सोसाइटी में पता चल जाएगा, फिर हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम चिंता मत करो। और जेठा ने अगर मुझे पूछा ना कि मुझे 1,00,000 रुपए किस लिए चाहिए, तो मैंने सोच के रखा है कि क्या बताना है। ठीक है? शाबाश। यू मी आता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मित्राय नमः, रवाय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण गर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्यानो सवित्र नमः, अर्कायनो भास्कराय नमः। अरे थोड़ा पानी बच गया, सॉरी। कौन है बेशिस्ता? सॉरी सॉरी भिड़क, मैं नीचे नहीं देख रहा था। अरे नहीं कोई बात नहीं जेठालाल, तुम सूरज को पानी दे रहे हो तो तुम ऊपर ही देखोगे ना, सूरज तो ऊपर ही होता है। नीचे देखता तो चांद दिखता। अच्छा तुम घर पे ही हो ना? हाँ लगता ऐसा ही रहा है। नहीं नहीं मेरा मतलब है मुझे तुमसे काम था थोड़ा सा, तो मिलने आ रहा था। हाँ तो आओ आओ अंदर ना, आओ घर पे ही हो, आओ। हाँ। बोलो बोलो लखू भाई, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ दुकान पे। ओ आप पहुंच गए? हाँ तो नहीं आपका पेमेंट रेडी है। एक मिनट नटू काका को फोन दीजिए। हाँ नटू काका, वो देखे मेरा ड्रॉवर में कवर पड़ा है ऊपर, लखू भाई का नाम लिख के, तो वो जरा उनको दे दो कवर। हाँ रोकड़ा है उसमें। अरे भाई गिनने की जरूरत नहीं, मैंने 2 बार गिन के रखा है उसमें, आप खाली दे दो। जय जिनेन्द्र चाचा जी। अरे जय जिनेन्द्र बिल्ली मास्टर। आओ भिड़े आओ। क्या बात है बिल्ली मास्टर, आज सुबह सुबह है, सोसाइटी का कुछ काम है? नहीं नहीं सोसाइटी का कुछ काम नहीं है चाचा जी, मुझे जेठाला से पर्सनल काम है। हाँ हाँ लखू भाई मिल गया। अरे नहीं नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके ओके आओ आओ भिड़े आओ। अरे दया भिड़े भाई आए, जरा 6-7 कप चाय तो बना। 6-7 कप?
अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बना बना एक कप चाय बना। बीड़ू भाई अब दो मिनट बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नको नको दया भाभी। क्या नको नको, हको हको। आप रोज रोज थोड़े ना हमारे घर पर आते हैं। बर होन जाओ दे। नहीं नहीं नहीं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे भाई वो बोल रहे हैं कि पियेंगे, होन जाओ दे मतलब जाओ बनाओ। दोस्त है उसे LCD चाहिए। दे दूंगा, उसमें क्या है, डिस्काउंट रेट पर दूंगा बस। अरे नहीं नहीं, LCD नहीं चाहिए, दरअसल उसे स्त्री चाहिए। अरे जो चाहिए उसको दे दूंगा, टेंशन क्या ले रहा है तू भाई। अरे नहीं नहीं जेठालाल, उसे LCD स्त्री नहीं चाहिए, दरअसल उसका मुझे सुबह फोन आया था। हाँ? उसे अर्जेंट रुपयों की जरूरत है। अच्छा, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं देता हूँ। बाद में पता चला कि उसे 1,00,000 रुपया चाहिए। अभी इस वक्त मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपया नहीं है, और मैंने उसे हाँ बोल दी तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। वो मुझ पर आस लगाए बैठा है, तो अभी मैं हाँ बोल के फंस गया हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे उधार लेके उसे दे देता हूँ, और तुम्हारे पैसे 2-3 दिन में वापस करने की गारंटी मेरी। अरे भाई तू बीच में है तो फिर गारंटी की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू जेठालाल। लेकिन 1 मिनट से तुम लेट हो गए। मतलब? अभी तुम आए तभी मैं फोन पर बात कर रहा था ना लकू भाई, उन्होंने अभी 1 मिनट पहले दुकान से 2,00,000 का पेमेंट उठाया। अगर 1 मिनट पहले तुमने मुझे बोला होता ना तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि भाई आप 2-3 दिन बाद पेमेंट ले लो, तो ले लेते हो। अभी क्या एक बार पेमेंट दे दिया तो फिर वापस मांग नहीं सकते ना, इसलिए क्या आज के आज 1,00,000 रुपया रोकड़ा बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 1 मिनट से चूक गया। माधवी ने चाय पीने नहीं रुकाया होता ना तो रुपए मिल गए होते। अच्छा एक काम हो सकता है भिड़े। हाँ हाँ बोलो। 4-5 दिन बाद एक मेरा बड़ा पेमेंट आने वाला है, तो दोस्त को बोल दे कि भाई 4-5 दिन रुक जाए तो फिर मैं बंदोबस्त करके दे दूंगा। अरे 3-4 दिन के बाद तो मैं सबको उधार रुपए दे सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं दोस्त को फोन करके बोल देता हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा। ले जो भिड़ भाई। अरे भले भिड़ भाई। भिड़े अभी तक इधर ही खड़े हो? नहीं बस जा ही रहा था। सॉरी हाँ, वो मैंने अपनी जीभ कचर नहीं दी होती ना, मतलब वो पार्टी को जबान नहीं दे दी होती ना, तो तेरे दोस्त का काम हो गया होता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सॉरी हाँ। अरे इट्स ओके। मैं निकलू? हाँ हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। जेठालाल के पास पैसे मिलने की उम्मीद थी लेकिन उसी ने ना बोल दिया, तो अब किसके पास आज के आज 1,00,000 रुपये मिल सकते हैं? क्या करूं, कहां जाऊं? मेहता साहब, नमस्ते। अंजलि भाभी। नमस्ते बीड़ी भाई। मेहता साहब मैं अंदर आ सकता हूं? आप ऑलरेडी अंदर हैं, पहले बाहर जाइए फिर पूछिए। आइए बीड़ी भाई। क्या मेहता साहब आप भी? आओ। क्या हाल है? बढ़िया। हाँ मेहता साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं किया। हा? नहीं किया भाई, तुम्हारे आने से कोई डिस्टर्बेंस होता है भिड़े, उल्टा फायदा है। फायदा? अंजलि भिड़ा आया, जरा कॉफी वॉफी तो पिलाओ। जी। अरे यही तो फायदा है भिड़े, गपशप लड़ाएंगे तुम्हारे बहाने मुझे भी कॉफी मिलेगी। ओहो अच्छा है तर। अच्छा मेहता साहब बाकी कैसे चल रहा है? सब बढ़िया भिड़े, तुम बताओ। बस बढ़िया। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? सेक्रेटरी बड़ा निकम्मा है सोसाइटी का, बदलना है। हाँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भिड़े, तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? वही जो तुम बताने के लिए यहाँ आए हो। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे कहूँ क्या, बेझिझक कह दो, जो भी मन में है साफ साफ कह दो। तारक मेहता समस्या निवारण केंद्र में झिझक की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब आपके पास से 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त हो सकता है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
भाई तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। तुम्हें 1,00,000 रुपया चाहिए? हाँ, वो भी आज के आज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े, आज के आज 1,00,000 रुपए? क्या ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब को सच बताया तो शाम को सोडा शॉप पर सबको पता चल जाएगा। क्या करूं? यस, जेठालाल वाला प्लान रिपीट करता हूं। हेलो, नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे नहीं चाहिए 1,00,000 रुपया, बल्कि मेरा एक पुराना दोस्त है उसे चाहिए। क्या है, उस दोस्त ने भूतकाल में मेरी काफी मदद की थी, तो अभी अगर उसकी जरूरत है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। हां, इनडीड इनडीड। तो उसके लिए मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। मैं आपको 2 दिन में वापस कर दूंगा। तुम वापस लौटा नहीं पाओगे? आई शपथ कर दूंगा। अरे भाई, मैं दूंगा तब लौटा पाओगे ना भाई बड़े। यार भिड़े, मैं नौकरी पेशा मिडिल क्लास आदमी, 1,00,000 रुपए रातों रात कहाँ से इंतजाम करूँ मैं? अरे तुम जेठालाल से बात क्यों नहीं करते? वो व्यापारी आदमी, उसके पास जरूर होंगे। नहीं ना, मतलब मैं उसके पास गया था, लेकिन उसने पहले ही किसी पार्टी को पेमेंट कर दी थी। ओहो भिड़े, रियली सॉरी। हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो मैं जरूर करता, लेकिन यू नो ना। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सॉरी भिड़े, वंस अगेन, इट्स ओके। अरे तारा, भिड़े भाई कहाँ गए? अरे भिड़े तो चला गया। मैं उनके लिए कॉफी बना कर लाई। ओहो, कॉफी तो फिर वेस्ट हो जाएगी अंजलि। वेस्ट नहीं करते, मैं पी लेता हूँ। सच? हाँ, क्या कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। ये तो काढ़ा है। पता है, और मुझे ये भी पता है कि भिड़े भाई के नाम पर आप कॉफी पीना चाहते थे। अंजलि, बाप रे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। जेठालाल के बाद मेहता साहब से उम्मीदें थी तो उन्होंने भी रुपए के लिए ना बोल दिया। अब आज के आज 1,00,000 रुपए कहां से इकट्ठा होंगे? और अगर रुपए बैंक में नहीं भरे तो 1 करोड़ के जैकपॉट से हाथ धोना पड़ेगा। देवा, कायती रास्ता दाखो रे बाबा। अरे 10 मिनट में पहुंच जाओ, तुझे फिक्र ना करो। सूढ़ी, थैंक यू देवा, थैंक यू। चंगा था चेकल। गुड मॉर्निंग सोनी। ओ ब्रो, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ पे मिल गया। नहीं, अरे अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। एक ही बात है सोड़ी। ओ पिड़ू, ओ मुझे तुझसे ना बहुत अर्जेंट काम है। अरे मुझे भी तुझसे बहुत अर्जेंट काम है। ओ तेरा अर्जेंट काम बाद में करेंगे, पहले मेरा अर्जेंट काम पूरा करते हैं। अच्छा भाई बोल। ओ तेरे पास 20,000 रुपए कैश पड़ा? 20,000 कैश? ओ क्या है ना पिड़ू, एक पार्टी ने मुझे बड़े अमाउंट का चेक इशू किया था, वो आज ना बाउंस हो गया। अभी उस चेक के भरोसे में मैंने आगे 4 चेक इशू किए। वो 3 चेक तो कैश हो जाएंगे, पर 1 चेक यार बाउंस हो जाएगा, इसलिए मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की जरूरत है। प्लीज देना यार। सॉरी यार, मेरे पास 20,000 तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, 10,000 रुपया दे दे। 10,000? अरे मैं तेरे को कल, ओ कल छोड़, आज रात को ही वापस कर दूंगा। सॉरी यार, मेरे पास इतना कैश नहीं है। ओ कोई गल नहीं पिड़ू, ओ मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ जी, अजी मैं कैश का इंतजाम कर रहा हूँ, आप बस चेक बाउंस होने मत देना। बस पहुंच रहा हूँ जी, पहुंच रहा हूँ। चंगा जी, थैंक यू। ओ पिड़ू, ओ तुझे मुझसे कुछ जरूरी काम था ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। ओ जल्दी बता, अभी 2 मिनट में पूरा कर डालता हूँ। नहीं नहीं, तेरा बैंक में जाना ज्यादा अर्जेंट है सोड़ी, नहीं तो तेरा चेक बाउंस हो जाएगा। अरे हाँ पिड़ू यार, ओ थैंक यू वेरी मच। ओ चल शाम को मिलता हूँ। ओके ओके, गया। मैं इससे पैसे मांगने की सोच रहा था, वही मुझसे पैसे मांगने लगा। कहते हैं कि गुढ़ियाकडे नागड़ा गेला आणि बोंबलत परत आला। काय झालं, हुआ पैसों का बंदोबस्त? नहीं। अहो, बातों बातों में आपने बता तो नहीं दिया ना कि हमें पैसे किस लिए चाहिए? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे एक दोस्त को चाहिए। हाँ नशीब, हो जाएगा बंदोबस्त, लेकिन अब क्या करें? मेरा मतलब है, हमने अगर 1,00,000 रुपए 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं भरे तो जैकपॉट हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ माधवी, अपने पास जितना भी सेविंग था वो 50,000 रुपए भरने में चला गया। अभी अपने पास ज्यादा से ज्यादा 4,000-5,000 रुपए कैश होंगे,
ये 1 लाख रुपया कहाँ से लाए? तेज तर। किसका फोन है? ये कहाँ से? हेलो, हाँ दिस इज आत्मारम तुकाराम भिडे, हु इज दिस? प्रोफेसर विल्सन फ्रॉम चार्ज चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ सर टेल मी, यस दिस इज आत्मारम तुकाराम भिडे, हाँ द विनर ऑफ जैकपॉट सर, यस सर। हाँ मिळाले मिळाले। अच्छा रियली? ओ थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ऑनर्ड। एक्चुअली आई एम इन दिस प्रोफेशन सिंस लास्ट 15 इयर्स सर। No, still I have not deposited money in the bank. Yeah, sure. Very soon. I will. Definitely, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Okay, sir. Goodbye. Good day. क्या हुआ? अरे माधवी, चार्ज चैरिटेबल ट्रस्ट के एशिया के ट्रस्टी प्रोफेसर विल्सन का फोन था। हाँ, देख लो, क्या बोल रहे थे वो? अरे मैंने उनको कल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कुछ सजेशन भेजे थे। हाँ। उनको वो बहुत पसंद आए और वो अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको अपनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यस। और जैकपॉट कब मिलेगा इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं? हाँ बताया ना उन्होंने कि जैसे ही हम लोग कुरियर चार्जेस और ट्रांसफर टैक्स के 1 लाख रुपए भर देंगे हमारा पेमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए लाए कहाँ से माधवी? ये क्या है माधवी? सोना, ये कब काम आएगा? तू अगर वेट लग ले माधवी, चलो वापस पहन लो इसे। अहो ये मेरे कंगन, लक्ष्मी हार, सोने की चेन, कान की बालियां, ये सब हम बेच देंगे ना तो 1 लाख के ऊपर रकम तो हो ही जाएगी। माधवी क्या बोल रही हो तुम, ये तुम्हारे शादी के जेवरात है, मैं इसे नहीं बेचूंगा, रखो। अहो तो कहां से आएंगे पैसे? देखिए अगर हम लोग 1 लाख रुपए नहीं भरेंगे ना तो जैकपॉट तो हाथ से जाएगा ही, ऊपर से जो 50,000 रुपए भरे ना वो भी जाएंगे। हे ईश्वर, ईश्वर किसी भी नारी के जीवन में ये स्थिति कभी न लाए कि उसे अपने जेवर बेचने की नौबत आ जाए। कभी कोई नारी अपने जेवर को नहीं बेचना चाहती, जेवर उसकी अस्मिता का प्रतीक होते हैं। लेकिन माधवी और भिड़े के जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि माधवी अपने जेवर बेचने को तैयार हो गई है। किसी भी नारी के लिए जेवर बेचना कितना मुश्किल होता है, वो बुरे से बुरे स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचती। लेकिन भारतीय नारी जब भी बलिदान देने का वक्त आता है वो अपने जेवर निकाल देती है अपने परिवार के लिए। लेकिन यहाँ शायद माधवी अपने जेवर बेच रही है, उसके पीछे 1 करोड़ रुपए का लालच है। भिड़े और माधवी को 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट लगने वाला है, उसके लिए जमा करने 1 लाख रुपए, जिसके लिए वो पहले ही अपने खून पसीने के 50,000 रुपए जमा करा चुके हैं। बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हैं भिड़े और माधवी। अब क्या होगा आगे? एक तरफ 1 करोड़ का जैकपॉट, दूसरी ओर 1 लाख रुपए जमा करने की मजबूरी। अब इन दोनों के बीच में है फंसे हुए भिड़े और माधवी। आपको क्या लगता है कि कहीं ये खून पसीने की 50,000 की कमाई के बाद 1 लाख रुपए का इंतजाम करने में इन्हें जेवर बेचने पड़ेंगे, या फिर ये 1 लाख रुपए नहीं जमा करेंगे? और अगर 1 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे तो 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। भाई स्थिति बड़ी उलझी हुई, लेकिन उलझी हुई स्थितियों के बीच में हर पग पे हर कदम पे आपके लिए हंसी है, ठाक है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.